हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? सोलेनोइड एंड टोराइड के बारे में हमने किया था, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक कंडक्टर के ऊपर दूसरे कंडक्टर की वजह से हम फोर्स निकालेंगे, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे आपके पास, आपको उनके बीच में निकालना है फोर्स, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना है दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में। लेट अस कंसीडर वी हैव टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग इनफाइनाइट लेंथ एंड करंट आई वन एंड आई टू इज फ्लोइंग इन दीज कंडक्टर्स, ओके। बोथ ऑफ दीज कंडक्टर्स आर आर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो इनके बीच की सेपरेशन है वो कितनी है? आर है। लेट अस से आई वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स, आई वांट टू फाइंड आउट फोर्स ऑन दिस पॉइंट। लेट आई से दिस पॉइंट पी एंड आई वांट टू फाइंड द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट दिस पॉइंट। सो वी नो दैट एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो here it will there will be magnetic field and the magnetic field will be represented by these circular lines. तो देखिए भाई, यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर जा रहा है, current is going in up direction, तो यहाँ पर जो magnetic field होगा वो हम किससे निकालते हैं? उसके direction कैसे निकाल देंगे हम? उसकी direction हम निकाल देंगे अपनी right hand थम रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल बोल दो, राइट हैंड थम रूल बोल दो, या फिर स्क्रू रूल। इसमें क्या होता है कि हम अपने थंब को किसके डायरेक्शन में लेते हैं? करंट के डायरेक्शन में, और हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो किसकी डायरेक्शन को देती हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, जैसे ही मैं लेकर जाऊंगी तो इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। और किस तरह से? ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ऐसे है, इस प्लेन में है, और मैग्नेटिक फील्ड इस वाले प्लेन में है। तो यहां पर जो भी दूसरा कंडक्टर होगा वो इस प्लेन में है, मतलब हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो कंडक्टर पर परपेंडिकुलर एंटर करेंगी, मतलब इनसाइड जा रही है। तो ये मैंने साइन बना दिया कि यहां पर वो क्या जा रही है? इनसाइड जा रही है। अब इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई? अंदर की तरफ हो गई, गोइंग इनसाइड। अब हमने एक फॉर्मूला किया था, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या था? किसी को याद है? जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फोर्स क्या था ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, जल्दी बता दो। पिटाई होगी ना, ना तुम्हारी बहुत जोरों से होगी, और पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं है तुम्हें, है ना। देखो भाई, सोचो, इतने मैं लिख दी हूं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग यूनिफाइड इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनफाइनाइट लेंथ की वजह से, वो क्या होता है हमारे पास? म्यू नोट अपॉन 4 पाई करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर अपॉन में आर। ये हो गया हमारे पास 2I1 अपॉन आर। मैंने आई वन क्यों लिया है? बिकॉज मैं इस कंडक्टर की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकाल रही हूँ, तो जो इसमें करंट फ्लो होगा मैं वो वाला करंट लूंगी। तो मैं इसको नाम दे दूं, ये तो चलो बी हो गया। बी मैग्नेटिक फील्ड है किसका? फर्स्ट कंडक्टर का, B1 हो गया, ठीक है। अब मैं निकालना चाहती हूँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1। तो यहां पर देखो, मैं जब फोर्स ऑन टू निकालना चाहती हूँ, तो आप लोगों ने +1 में बहुत ज्यादा बार पढ़ा होगा कि हम इस नोटेशन को क्या कहते हैं, फोर्स ऑन टू बाय 1 बोलते हैं ना, ऐसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इस तरह से बोलते हैं। तो मैंने यहां पर बोला है फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। और फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो फोर्स लग रहा है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है BIL। किस किस को याद आया? याद नहीं आया वो अपने अपने एक एक थप्पड़ लगा ले अच्छे से, फिर याद आ जाएगा, ठीक है। BIL हमने ये निकाला था लास्ट के लेक्चर्स में, निकाल चुके हैं हम।
आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है बी आई एल, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम ये निकाल चुके हैं, तो यहां पर देखो फोर्स ये होता है। अब इसमें बताओ, इसमें जो करंट है वो कौन सा करंट आता है? हम क्या निकाला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, उसके ऊपर हम क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स निकालना चाहते हैं। और किस फॉर्मूले से निकाला था, अगर किसी को याद हो तो, क्यू वी बी साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला था उससे निकाला था, किसी को याद है? नहीं है तो तुम्हारे पिटाई तो जोरों से होनी चाहिए, फिर सारे मुर्गे बन जाओ। चलो तो ये निकाला था हमने, यहां से हमने क्या लिया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है एल, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होता है बी आई एल, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर बी आई एल, ये हमने पहले के दो तीन लेक्चर्स में किया था। अब देखो भाई, हम कंप्लीट कंडक्टर पर तो इसकी कंप्लीट कंडक्टर के ऊपर तो एकदम से फोर्स नहीं निकाल सकते, बट हम इसकी अगर यूनिट लेंथ ले लें तो हम उसके ऊपर फोर्स लगा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर करंट यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा है, बिल्कुल इसके अंदर भी जो करंट हमने दे दिया एक बार जो फ्लो करवा दिया वही करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर करंट दोनों में क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो चाहे मैं इस पॉइंट पर निकालूं, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। और ये जो केस होता है, ये हम, अगर आप लोगों ने को ध्यान हो तो जब हमने बायोट सॉल्ट ग्लास से निकाला था तो कैसे निकाला था कि हमने बीच में सेंटर में पॉइंट मान लिया था और इनफाइनाइट लेंथ मानी थी, तो दोनों जो थीटा एंगल थे वो कितने हो गए थे, 90 डिग्री हो गए थे। इसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ से भी निकाला था, उससे भी यही डेरिवेशन आपके पास आया था। तो हम क्या ले लें, कंप्लीट कंडक्टर ना लेकर इसको कितना ले लें, फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लें, ठीक है, क्या ले लें हम, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं लेना चाहूं फोर्स ऑन कंडक्टर टू बाय कंडक्टर वन पर यूनिट लेंथ, तो जब मैं पर यूनिट लेंथ लेना चाहूंगी तो मैं उसकी कंप्लीट लेंथ एल ना लेकर मैं क्या ले लूंगी, वैसे तो हमने इनफाइनाइट लेंथ मानी है उसकी, बिल्कुल मानी है, तो मैं उसकी कंप्लीट लेंथ ना लेकर क्या ले लूं, यूनिट लेंथ उसकी कंसीडर कर लूं, तो वो क्या आ जाएगी बी वन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसका है, उसकी वजह से हो रहा है। आई टू, क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसमें करंट कितना है, उसमें करंट है आई टू। यही समझने की बात है कि फोर्स हम निकाल रहे हैं इस पर तो हम इसका करंट लेंगे, ठीक है बेटा, और यूनिट लेंथ पे लेना है तो एल की जगह क्या आ जाएगा, वन आपके पास आ जाएगा। यहां से वैल्यूज पुट कर दो बी वन की, तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन फोर पाई इंटू बी वन, हाँ सही है, टू आई वन अपॉन आर इंटू आई टू। तो ये आपके पास हो गया रिलेशन किसका, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, या फिर फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन। अब इससे पहले डायरेक्शन से पहले हम देखें, डायरेक्शन देखिए, उससे पहले मैं क्या देख देती हूँ कि फर्स्ट पर सेकंड वाला कितना लगाएगा, तो अब सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फटाफट बोल दो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई टू अपॉन आर। देखो भाई, साहिल बोल रहा है कि मैडम समझ में आ गया, साहिल कह रहा है मैडम समझ में आ गया, ध्यान आया कि पहले आपने करवाया था ई वी डी क्रॉस बी लेकर, ई वी डी क्रॉस बी लेकर एफ, एक इलेक्ट्रॉन पर आपने करंट माना था, उसके बाद कंप्लीट पे यही मैंने प्रोसीजर लिया था, बाकियों को भी आ जाएगा धीरे धीरे, नहीं आएगा तो चट्टू खा के आएगा फिर। हाँ भाई, देखो आगे क्या है हमारे पास, बी टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई टू अपॉन में आर। नेक्स्ट हमने, हमें निकालना है एफ वन टू, तो वो क्या हो जाएगा B2 into I1 into में 1, यहां से B2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा mu not upon 4 pi into 2 I2 upon R into I1, both these relations are same, means magnitude of force on conductor 2 due to conductor first and
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर वन ड्यू टू कंडक्टर टू आर सेम. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और वैल्यू आपके पास ये, ठीक है, वैल्यू है इतनी है आपके पास. अब नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन. एंड डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से. तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था आपके पास, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, मीन्स फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. ओके, नाउ करंट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, करंट इज मूविंग अपवर्ड. यहां पर पहले इस वाले पे निकालते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, करंट इज मूविंग अपवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन किधर आ गई, इस तरफ, तो एफ टू वन की डायरेक्शन आ गई इधर. अब यहां पर देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी, इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहो तो वो कैसे आएगी, ऐसे बाहर की तरफ आएगी ना, तो इसमें बाहर की तरफ मैंने बना दिया. अब देखो भाई, यहां पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट कहां पर है, ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, देखो करंट ऊपर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहां पर है, लेफ्ट साइड में, मींस कंडक्टर की साइड में. तो ये हो गया आपके पास F1, 2. यहां से हमने देखा कि मैग्नीट्यूड तो भले ही सेम था लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो हम दोनों को सेम कहने से पहले क्या क्या चेक करते हैं, डायरेक्शन भी चेक करते हैं, साथ साथ में उसकी मैग्नीट्यूड भी उसका चेक करते हैं. तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, सो वी कैन राइट एफ टू वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ वन टू. ठीक है, यहां से आई थिंक क्लियर हो गया होगा. तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर हम इस तरह से निकाल सकते हैं. तो चलो भाई, हो गया. अब यहां से हम निकालते हैं वन एम्पियर की डेफिनेशन. ठीक है, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर, और हम वन एम्पियर कैसे मीजर भी कर सकते हैं. तो देखो, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू टू आई वन आई टू अपॉन आर. ये आया, दोनों कंडक्टर्स थे, दोनों कंडक्टर्स क्या थे, कितनी सेपरेशन पर है, आर सेपरेशन पर है. अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर से एक मास लटका दिया, ठीक है, एम जी वेट हमने यहाँ पर लटका दिया है. और यहाँ पर देखो, अगर आपको करंट वन एम्पियर बनाना है तो एफ को कितना लेना पड़ेगा, वन न्यूटन. ये होता ही कितना है, फोर पाई इंटू टेन इज टू पावर माइनस सेवन. करंट आई वन आई टू दोनों कितने हो, वन एम्पियर, और आर कितना हो जाए, वन मीटर. ठीक है, तो इतना हो जाना चाहिए. अब देखो, जब हमने इस वाले कंडक्टर को इससे बांध दिया, इस mg वेट से, और यहां पर हमने कितना फोर्स लगा दिया, वन न्यूटन फोर्स लगा दिया. ठीक है, या फिर हमने इन दोनों कंडक्टर्स में, पहले तो हम ये करना चाहते हैं कि हम ये वेट मीजर करना चाहते हैं. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मीजर दिस वेट, हाउ मच वेट इज हेयर इफ इन बोथ ऑफ द कंडक्टर्स 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दैट मींस हमें पता है कि अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ही क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे. अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक मास अटैच कर दिया है टू कंडक्टर फर्स्ट, फर्स्ट कंडक्टर से. आपको इस मास की वैल्यू, इसका वेट या फिर इसका फोर्स कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अगर ये जो आपके पास मास है, इससे ये दोनों कंडक्टर्स पैरेलल हैं, इसका मतलब ये जो वेट है ये कितना है, ये फोर्स कितना है, वन न्यूटन है. वन न्यूटन क्यों है, क्योंकि अगर वन न्यूटन से ज्यादा होता, जब इन दोनों में वन एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो फोर्स कितना होगा, वन न्यूटन फोर्स होगा, होगा ना. अब अगर आपके पास यहां से दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, वन एम्पियर है. अब म्यू नोट की वैल्यू होती है ना, ये म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई अपॉन 2 10 इज टू पावर माइनस 7, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इज टू पावर माइनस 7, और फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, 2 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 7. ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडक्टर्स पैरेलल हैं तो आपके पास, आप सीधा सीधा बता दोगे कि ये फोर्स कितना है, 2 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 7.
बिकॉज वी हैव स्टडीड इन थ्योरी, हमने थ्योरी में पढ़ लिया है कि अगर ये दोनों में के अंदर कितना फोर्स है, वन एम्पियर करंट है, दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों ही क्या करेंगे यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर वेट लटका दिया, अगर ये वेट ज्यादा होता, ज्यादा फोर्स लगा रहा होता, वेट मतलब फोर्स है, तो ये कंडक्टर कुछ इस तरह से नहीं हो जाता क्या, इधर खींच जाता। बट ये क्या है, आपने जैसे ही इसमें करंट फ्लो किया तो ये सीधा पैरेलल हो गया। इसका मतलब इसने कितना कितना फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगा दिया इसने, दूसरे वाले कंडक्टर ने इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगा दिया, 2×10⁻¹ फोर्स लगा दिया, तभी तो ये कंडक्टर स्ट्रेट हो गया। देखो भाई, हमने क्या देखा था यहाँ से कि अगर दोनों में कंडक्टर में करंट कितना फ्लो करे, 1 एम्पियर, उनके बीच की सेपरेशन कितनी हो, 1 मीटर हो, तो फोर्स कितना होगा, 2×10⁻¹ न्यूटन। तो अगर ये कंडक्टर ने, इस वाले कंडक्टर ने इसको स्ट्रेट कर दिया, खींचकर बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ये इधर कुछ झुका हुआ था, तो ये जो फोर्स है नीचे आपने लगा रखा है, ये कितना होगा, 2×10⁻¹। मास पूछेगा तो आपके पास आ जाएगा mg=2×10⁻¹, जिसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। तो यहां से ये हो गया। सेकंड देखो, अब आपके पास एक डिवाइस दे दिया, ओके, एक एमीटर दे दिया, और आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, इसमें मार्किंग करनी है, उसमें मार्किंग नहीं थी, ठीक है, आप तो आप क्या करोगे, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप एक्सपेरिमेंट करो, ये आपने वेट लटका रखा है इधर, यहां से ये वेट लटका रखा है, ठीक है, एम जी, ओके। अब आपने इस एम जी को, आपको पता है कि अगर आप इस एम जी वेट को कितना कर दो, 2×10⁻¹, और इस केस में अगर ये दोनों कंडक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं, तो आपके पास ये जो डिवाइस है, ये क्या होता है, यहां पर था, कुछ यहां पर आकर रुक जाता है, इस पॉइंट पर आकर ये डिवाइस रुक जाता है, तो ये क्या हो गया आपके पास, इस मार्किंग को आप क्या बोल दोगे, 1, ठीक है, कि करंट कितना हो गया है, 1 एम्पियर हो गया है, ओके। नेक्स्ट, फिर आपको आगे भी रीडिंग्स बनानी है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो देख लो भाई, करंट 2 एम्पियर करने के लिए दोनों में ही 2-2 एम्पियर करंट हो, उस टाइम पर क्या होगा, बताओ जल्दी से, कितना फोर्स लग जाएगा, दोनों में 2-2 एम्पियर रख दो यहाँ पर, तो 2×2 = 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8×10⁻¹, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, 8×10⁻¹, इस वक्त तो क्या होगा, दोनों में ही कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, एंड इफ द एम्पियर इज कनेक्टेड ओनली टू दिस, इस वाले कंडक्टर से ही कनेक्टेड है, तो आप क्या करोगे, इस वाले कंडक्टर की वजह से फिर इस पर फोर्स निकाल लो, तो कितना होना चाहिए, फोर्स भी डबल हो जाएगा करंट की डबल होते ही, इसमें हमने करंट को कॉन्स्टेंट बांध रखा है मान लो से आई, और इसमें से हम रीडिंग निकाल रहे हैं एमीटर की, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने इसमें करंट बढ़ाया, फोर्स बढ़ेगा, तो आप कितना फोर्स बढ़ाना चाहते हो, आपने इधर कितना कर दिया, 4×10⁻¹, तो 4×10⁻¹ कर दिया, ये चीजें थी कॉन्स्टेंट, देखो आई, इतनी इतनी चीजें कॉन्स्टेंट थी, सिर्फ आई 2 वेरी कर रहा है, I1 भी कॉन्स्टेंट है, सिर्फ आई 2 वेरी कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जब कॉन्स्टेंट थी, आई 2 को आपने कितना कर दिया इस, और इधर फोर्स को कितना कर दिया है आपने, 2F, इसका मतलब आई 2 कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस मतलब 2 एम्पियर, तो फिर ये एम्पियर वाला जो डिवाइस आपको दिया गया था, ये यहाँ पे जाके रुका, आपने इसको मार्क कर दिया 2, ऐसे ही फर्दर 3 गुना करोगे तो 3 एम्पियर पे जाके रुक जाएगा, फिर 4 गुना कर देंगे, 5 गुना, तो इस तरह हम किसी डिवाइस की मार्किंग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट है वो आ जाता है कई बार, ठीक है, पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज वगैरह में, जब आप IIT G वगैरह के इंटरव्यूज देते हो, उस टाइम पे आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक स्प्रिंग का केस है, ठीक है, स्प्रिंग का केस है आपके पास, और आपको स्प्रिंग के केस के बारे में बताना है, तो हम अब वो पढ़ेंगे, और उसको कहते हैं जो आप, उसका नाम है वो क्या है, रोजेट्स स्पाइरल, नाम क्या है उसका, रोजेट्स स्पाइरल उसका नाम है,
वैसे क्या है, सीधा सिंपल देखो, ये स्प्रिंग होती है और ये किसमें डिप होती है, मरकरी में डिप ये होती है, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड होती है भाई, बैटरी से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। अब यहां पर देखो, ये सारा जो करंट होगा ये एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्विच को, यहाँ पर स्विच और लगा लो, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देखो। तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को, अट्रैक्शन लगेगा इसमें, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, जैसे यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, क्या कर जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, चिपक जाएगी। लेकिन चिपकने के साथ ये क्या हो जाएगी, मरकरी में डूबी हुई थी, ऊपर जाएगी तो मरकरी से इसका कनेक्शन हो जाएगा कट, कनेक्शन कट हो जाएगा तो मतलब सर्किट हो गया ब्रेक, और सर्किट के ब्रेक होते ही करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक क्लोज्ड सर्किट चाहिए होता है। तो करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा, दैट मीन्स सर्किट हो गया है हमारे पास ब्रेक। सर्किट ब्रेक होते ही क्या करेगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो खत्म, स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी, ये एक्सपेंड होगी, बिल्कुल होगी, एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होते ही मरकरी में वापस डिप होगी, फिर क्या हो जाएगी, वापस डिप होते ही फिर से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो वापस श्रिंक हो जाएगी, फिर एक्सपेंड होगी, श्रिंक एक्सपेंड, श्रिंक एक्सपेंड। इस प्रोसेस को क्या कहते हो, जल्दी बताओ, श्रुति बोल रही मैडम ऑसिलेट करेगी, बिल्कुल ऑसिलेट करेगी, क्या करेगी, ये ऑसिलेट करेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी आपके पास, ऑसिलेट करेगी, ठीक है। इस टाइप से ये स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है आपके पास, ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास, आप इसको चाहे एक्सपेरिमेंट मान लो या फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, पूछा हुआ है ये और मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉर्क पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत थक गए हो तुम, है ना, बीमार बीमार हो गए हो, क्या चक्कर है, घर पे बैठे बैठे भी बीमार हो गए, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट टॉर्क करेंगे हम आगे कल वाले लेक्चर में, ओके।